हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक ऐसी नौकरी की जानकारी लेकर जिसमें एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, पचास नहीं, 500 नहीं, पूरी 1000 से ज़्यादा भर्तियाँ निकाली गई हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये सच आपको पता चलेगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि 1000 से ज़्यादा भर्तियाँ सचमुच निकाली गई हैं। और यहाँ पर मैं तो ये कहूँगी कि बल्कि हर एक के लिए मेरे पास भर्ती है। अगर आप आपकी क्वालिफिकेशन जो भी हो, आपके लिए भी इसमें भर्ती ज़रूर होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। और ये आपको पता चल जाएगा जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे कि आपके लिए ये भर्तियाँ निकाली गई है, कहाँ कहाँ पर निकाली गई हैं भर्तियाँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 1000 से ज़्यादा भर्तियाँ एक साथ ली जा रही है। आखिर 1000, 1100, 1200 नहीं, 1300 से भी ज़्यादा भर्तियाँ एक साथ ली जा रही हैं। और कहाँ हो रही हैं भर्तियाँ, कहाँ मिल रही हैं नौकरियाँ, सब कुछ आपको पता चलेगा इसी वीडियो में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी और कैसे करना है आपको अप्लाई, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। और आप बात बात बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ये भी आपको पता चलेगा कि कहाँ निकाली गई हैं भर्तियाँ। सबसे पहले हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये भर्तियाँ आखिर निकाली कहाँ गई हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो विश्व भर में फेमस है, BHU जिसे कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ काम करने में ही अपने आप में एक गर्व महसूस होता है हर एक भारतवासी को, तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में ये भर्तियाँ निकाली गई है। और भर्ती निकाली गई हैं जो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2019। तो 16 फरवरी 2019 है इसकी लास्ट डेट। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो 16 फरवरी का इंतज़ार ना करें। अगर आपको लगता है कि एलिजिबिलिटी आपकी बिल्कुल सुटेबल है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इसके लिए, तो अप्लाई कर दीजिएगा जो भी भर्ती आपको लगता है जिसके लिए आप एलिजिबल हों, अभी इसी वक्त इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा पूरी डिटेल जानने के बाद। तो इसमें कई सारी भर्तियाँ हैं, सबकी अलग अलग पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग सैलरी दी जाएगी क्योंकि अलग अलग ग्रुप में ये भर्तियाँ की जा रही हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि किस किस तरह की ये भर्ती की जा रही है और कितनी भर्तियाँ की जा रही हैं। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1300 से ज़्यादा इसमें भर्तियाँ की जा रही हैं। और भर्ती किस किस की जाएगी, फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती की जा रही है, वाइस प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की। रुकिए, आप ये मत सोचिए कि ये तो बड़े लेवल की भर्ती है, अभी मैं नीचे भी आऊँगी, छोटे लेवल की भर्तियों पर भी आपको बताऊँगी। जब मैं नीचे आपको दिखाऊँगी इसमें डिटेल, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी भर्तियाँ ऐसी हैं जो छोटे लेवल के लोगों के लिए भी हैं, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी हैं। वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट MM, मेडिकल ऑफिसर MM और मेडिकल ऑफिसर, प्रोग्रामर, मेंटेनेंस इंजीनियर, असिस्टेंट टीचर इन PGT इन हिंदी, असिस्टेंट टीचर, इसमें स्कूल के लिए भी पोस्ट हैं, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की है इसमें भर्तियाँ, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर इन TGT संस्कृत, असिस्टेंट टीचर इन TGT म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, असिस्टेंट टीचर इन TGT इन हिस्ट्री, असिस्टेंट टीचर TGT इन हिंदी, असिस्टेंट टीचर TGT इन होम साइंस, असिस्टेंट टीचर इन TGT इन संस्कृत, असिस्टेंट टीचर इन TGT इन फिजिक्स, असिस्टेंट टीचर इन TGT इन मैथ्स, असिस्टेंट टीचर इन PRT, असिस्टेंट टीचर TGT इन व्याकरण, असिस्टेंट टीचर TGT इन ज्योतिष, असिस्टेंट टीचर इन साहित्य वेद, PRT इलेक्ट, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, साइकोथेरेपिस्ट, डेंटल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर मेडिकल सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट। अब नीचे चलते हैं, ST इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, स्टाफ, कार ड्राइवर। देखा मैंने कहा था ना कि इसमें नीचे के लेवल के लोगों के लिए भी भर्तियां हैं, जो मतलब छोटे लेवल के लोग हैं, जिनको लगता है वो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भर्ती नहीं होगी, तो उनके लिए भी इसमें कई सारी भर्तियां हैं। जूनियर क्लर्क की भर्ती है, स्टाफ, कार ड्राइवर की भर्ती है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की भर्ती है, सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है, पब्लिकेशन असिस्टेंट की भर्ती है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन की भर्ती है, सीनियर लैब असिस्टेंट की भर्ती, ऑर्थोप्टिस्ट की भर्ती, लेबोरेटरी अटेंडेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, जनरल ऑपरेटर, वर्कशॉप असिस्टेंट, मेडिकल गैस टेक्निकल असिस्टेंट। देखिए लिस्ट कितनी लंबी है कि खत्म होने आए ही नहीं रही है। OT अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टेरिलाइजेशन असिस्टेंट और लिफ्ट ऑपरेटर, OPD अटेंडेंट, ड्राइवर, एम्बुलेंस सर्विसेज, वार्ड सहायक, सहायिका, लैब अटेंडेंट, OT का एनेस्थीसिया, लेबोरेटरी अटेंडेंट, पुजारी की भी भर्ती है, पैरामेडिकल स्टाफ। और नीचे चलते हैं, गैलरी अटेंडेंट, अकम्पनिस्ट तबला, अकम्पनिस्ट सारंगी, अकम्पनिस्ट पखवाज, लेबोरेटरी अटेंडेंट, अकम्पनिस्ट मृदंगम,
लेबोरेटरी अटेंडेंट वर्कशॉप अटेंडेंट गैस अटेंडेंट अकंपनिस्ट तबला लेबोरेटरी अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कई सारी भर्तियां हैं। वर्कशॉप अटेंडेंट, एसी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1, लाइफ गार्ड, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डीवाई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग ऑफिसर, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर, मेल नर्सिंग ऑफिसर के अलावा असिस्टेंट इंजीनियर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, कैथ लैब टेक्नीशियन, आईसीयू अटेंडेंट, एंडोस्कोपी अटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, परफ्यूशनिस्ट, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, वर्कशॉप अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो देखा आपने कितनी सारी इसमें भर्तियां हैं कि बोलते बोलते भर्तियां ख़त्म ना होने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी सारी इसमें भर्तियां निकाली गई है, ग्रुप ए बी और ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो इसमें कितनी सारी इसमें भर्तियां हैं, इसमें आपको रिजर्व कैटेगरी भी है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, 12 पेज का है। अगर मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट है, एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है कि एज लिमिट मिनिमम 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स, कम से कम 35 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल। तो एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग एज लिमिट है, 35 से 50 साल के बीच भी है एज लिमिट। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ से, काफ़ी लंबी ये डिटेल है जिसमें एज लिमिट देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर असिस्टेंट टीचर 40 ईयर्स, रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है इसमें। तो सबके लिए अलग अलग एज लिमिट है, क्राइटेरिया भी अलग अलग है। तो इतनी सारी नौकरियों का अगर मैं क्राइटेरिया एक एक करके बताने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो आप ये क्राइटेरिया यहाँ से खुद देख सकते हैं, अलग अलग नौकरी का अलग अलग क्राइटेरिया है। जिस भी भर्ती का आप क्राइटेरिया देखना चाहते हैं वो उसके नीचे ही लिखा हुआ है, पोस्ट का कोड भी दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले, जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। ये वेबसाइट लिंक है recruitment@bhu.ac.in, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। पूरी डिटेल इसमें, रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है इसमें, तो आप वो भी देख सकते हैं कि आपको रिजर्वेशन मिल रहा है यानी आपकी कौन सी कैटेगरी है। वेबसाइट लिंक है जिसके द्वारा आपको अप्लाई करना है। वाराणसी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये BHU, अपने आप में ही फेमस है, अपने आप में ही नाम है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, यहाँ पर नौकरी करना अपने आप में ही एक प्राउड फील करने वाली बात है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 16 फरवरी 2019 है। और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2019। अगर किसी कारणवश आप 16 फरवरी 2019 तक फीस पेमेंट नहीं कर सकते तो आप 18 फरवरी आपको दिन दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगी फिर से कि आप अप्लाई करने के लिए इंतज़ार ना करें, अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करने के लिए इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए एक अलग अलग इसमें वेतन दिया जा रहा है, ये देखिए अलग अलग वेतन है, ये सैलरी की लिस्ट है पूरी। तो इस तरह की नौकरियां बहुत ही कम निकलती हैं। अब आप इसमें देख लीजिए, पूरी लिस्ट है आपके सामने कि कौन सी भर्ती आपके लिए है, कौन सी भर्ती आपके लिए नहीं है। बहुत सारी इसमें भर्तियां हैं, टीचर्स के लिए भी इसमें भर्ती है, TGT PGT के लिए भी भर्ती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल चलाया जाता है उसके लिए भी इसमें भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही इसमें भर्तियाँ हैं, यहाँ तक कि ड्राइवर की भी इसमें भर्ती हैं, उसका भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं खुद यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद आपको देखना कैसे है, पहले तो मैं बता दूँ आपको कि देखना कैसे है वो मैं आपको बताऊँगी अभी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वो ये पोर्टल है जिसके द्वारा आपको करना है ऑनलाइन अप्लाई। ये पोर्टल है आपका, मैंने इसका लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये BHU का पोर्टल है जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा और इसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस मानिए तो मैं ये कहूँगी कि इतनी बेहतरीन नौकरी का अगर आप चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी आपको कि खुद अप्लाई ना करें। जहाँ तक हो सके आप ये किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास चले जाइए, प्रोफेशनलिस्ट के पास, कैफ़े में चले जाइए जहाँ बहुत कम पैसे लेकर आपके लिए इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा और कोई गलती भी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनका हर रोज़ का काम होता है फॉर्म भरने का, हम लोग हर रोज़ नहीं भरते हैं फॉर्म। तो इसीलिए कह रही हूँ कि ताकि कोई गलती ना होने पाए इतनी अच्छी नौकरी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पूरी डिटेल कहाँ से पता चलेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ कि पूरी डिटेल आपको देखनी है तो वेबसाइट लिंक वीडियो के नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से क्लिक करते ही आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी इसी वक्त आपके फ़ोन पर, लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर वेबसाइट लिंक के जरिए आप क्लिक करते ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ देख सकते हैं अभी इसी वक्त। इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की है, नौकरी आपके काम की है, तो बहुत अच्छी बात है। और ना भी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो हमारा उद्देश्य है उसे पूरा कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, इस नौकरी की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुँच जाए। कोई तो होगा ग्रुप में ऐसा, या फिर ग्रुप के भी लोगों के ग्रुप होंगे जिनमें कोई ऐसा होगा जिसको इस नौकरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, वो इस नौकरी का तहे दिल से इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन उनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हर रोज़ आता रहे, जो भी जिस भी तरह की नौकरी निकले पूरे भारत में। कुछ पूछना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में या अन्य किसी भर्ती के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह की नौकरी लेकर मैं डेली आती रहूंगी आपके लिए। पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और हर एक अन्य भर्ती की जानकारी आपको मिलती रहेगी रिंग्स चॉइस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।